ना भी विपक्ष को दबाएंगे तो भी ज्यादा दुगने दम से पुरजोर तरीके से वो बाहर आएगा। उपराष्ट्रपति को स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है उनको बाहर करने का, ये लोकतंत्र का मर्डर है। अंधी बहरी गुंगी सरकार को चेताएं कि अपनी आंखें खोले, कान खोले और लोगों को बातें सुने कि ये जुमलों से काम नहीं चलेगा। देश असल मुद्दों से भटक रहा है। देश में बात होनी चाहिए रोजगार की, महंगाई की। जितने भी मीडिया हाउस बड़े उनको सुबह एक मैसेज आ जाता है कि आपको आज राम मंदिर पे ही बात करनी है, आज आपको मुस्लिम पे बात करनी है। कि जब मीडिया अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा लिख रहा है, सरकार की प्रशंसा कर रहा है, तो क्या सरकार बिक चुकी है क्या? सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही साफ नजर आ रही है। किसी की बातें नहीं सुनी जा रही, ना किसान की, ना मजदूर की, ना युवाओं की, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। अपनी आवाज नहीं उठाने दी जाएगी, तो उसको हिटलर साई ना कहें तो क्या कहें? नमस्कार, मैं नूर जौहर, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस के सामने। यहाँ पे आप प्रदर्शन देख सकते हैं, जिस तरीके से विपक्ष के 151 जो सांसदी है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। पहले 15, फिर 92, फिर देखते ही देखते 141 और उसके बाद अब 191 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। उसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष, सड़कों पे उतर गया है। यहाँ पे इन्हीं से सीधे तौर पर पूछताछ करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश देख रहा है, जिससे लगातार पिछले कुछ दिनों से संसद में या संसद के बाहर विपक्षी दलों की आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे लोकसभा में और राज्यसभा में, किस तरह सांसद को बर्खास्त किया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि वो विपक्ष की बात उठा रहे थे, सुरक्षा की बात कर रहे थे, किसानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, इसीलिए विपक्ष के सारे सांसदों को बाहर किया जाता है। आप बताइए, जब सांसद अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, वहाँ सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तो संसद में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अगर हमें संसद से बाहर निकाला जाएगा तो हमने निश्चय किया है कि हम सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे आवाज़ उठाएंगे। क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार दिया जाता जनता को? क्यों नहीं महिलाओं को? कहा जा रहा है कि अगर आप कुर्सी का अपमान करेंगे तो इसी तरीके से बर्खास्त किया जाएगा। तो जनता की आवाज उठाने के लिए अगर किसी का भी अपमान होता है हिंदुस्तान में, तो मुझे लगता नहीं कि जनता से बड़ा कोई है। रोजगार की बात लगातार हो रही है, तो क्यों ना बात करें 2 करोड़ रोजगार की? क्यों ना बात करें किसान अपने दुगनी आय की? क्यों ना महिलाएं 450 सिलेंडर की बात करें? लेकिन जब भी कोई इस चीज की बात करता है तो हमारे क्या पता हमारे राष्ट्रपति को उस कुर्सी पे क्या खटमल बैठा है कि विपक्षी आवाज सुनते ही उनके तिलमिलाहट उठ जाती है। कहाँ से आदेश आता है कि जो विपक्ष की बात करे उसको बाहर कर दिया जाए? तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि हम विपक्षी आवाज दबाई जा रही है। अब हमारे पास चारा यही बचा है कि हम सड़कों पे उतरे और संसद घेराव करे और अंधी बहरी गुंगी सरकार को चेताएं कि अपनी आंखें खोले, कान खोले और लोगों को बातें सुने कि ये जुमलों से काम नहीं चलेगा। कि आप चुनाव आते हैं तो आप सिलेंडर कम करने की बात करते हैं, तेल कम करने की बात करते हैं, चुनाव जब बीत जाते हैं तो आप राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वीडियो सामने है जिसमें एक सांसद मिमिक्री कर रहे हैं सभापति को और वहाँ खड़े होकर राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। ये कहाँ तक सही है कि वो मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी वीडियो बनाएंगे उनकी? अगर भारतीय जनता पार्टी का IT सेल देखे तो लाखों मिमिक्री, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं राहुल गांधी की मिमिक्री करने पे। तो ये लोकतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास ये हक है कि वो किसी की भी मिमिक्री बना सकते हैं, राहुल गांधी की हो, चाहे मनमोहन सिंह की हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, चाहे हमारी सोनिया गांधी की, तो हरेक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी तो अपने कार्टून तरीके से भी बता सकता है। लेकिन देश असल मुद्दों से भटक रहा है। देश में बात होनी चाहिए रोजगार की, महंगाई की, किसानों को मूल्य की, मजदूरी को अपने न्यूनतम मूल्य की बात होनी चाहिए, उन्हें के न्यूनतम आय जो मिलनी चाहिए। लेकिन संसद में हो, चाहे हमारे प्रशासन में हो, खुलेआम सरकार का ये आदेश है, जो विपक्ष जनता की आवाज़ उठाएगा, महिलाओं की आवाज़ उठाएगा, किसानों के, उसको बाहर कर दिया जाएगा या उसे जेल के अंदर डाला जाएगा। यहाँ पे एक पोस्टर दिख रहा है कि हिटलर जिंदा है, यहाँ पे एक तरफ मोदी है और एक तरफ हिटलर, तो क्या उनको उससे कंपेयर कर रहे हैं क्या वो वैसा? संसद में जब विपक्ष को अपनी आवाज नहीं उठाने दी जाएगी तो उसको हिटलर साई ना कहें तो क्या कहें? विपक्ष क्या कर रहा, वहाँ तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा जैसे वो संसद में घुस गए थे और कूद रहे थे?
विपक्ष से कोई बदतमीजी नहीं की। विपक्ष सिर्फ ये कह रहा है कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो क्यों हुई है। आप प्रधानमंत्री एक लाइन आके जवाब नहीं, आधिकारिक बयान दे देना भाई, आके प्रधानमंत्री दे दे भाई सुरक्षा में चूक इस वजह से हो गई। उसके लिए 45 सांसदों को बर्खास्त करना कहाँ का न्याय है। अगर वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, सांसद पूछ रहे हैं, तो आपको जवाब दे दीजिए ना, क्यों उनको बर्खास्त करे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सत्ताधारी से, क्यों विपक्षी सांसदों को बर्खास्त किया जा रहा है। सारी जनता को पता होना चाहिए कि ये क्यों बर्खास्त कर रहे हैं। ये चाहते हैं 24 में विपक्ष हो, कोई भी जनता की आवाज़ ना उठाए, कोई रोजगार की बात ना करे, कोई महंगाई की बात ना करे, किसान अपने मूल्य की बात ना करे। आपको एक और बता, जितने भी मीडिया हाउस से बड़े उनको सुबह एक मैसेज आ जाता है कि आपको आज राम मंदिर पे ही बात करनी है, आज आपको मुस्लिम पे बात करनी है। वो पूरा दिन बताइए किसी भी मीडिया चैनल ने बेरोजगारी के ऊपर कोई शो किया हो तो, महंगाई पे कोई शो किया हो तो बताइए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, किसी ने उसके ऊपर शो किया? चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, जब मीडिया मेरी प्रशंसा करने लग जाए तो आप समझ लीजिए मैं बिक चुका हूँ। तो आज हम ये समझे कि जब मीडिया अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा लिख रहा है, सरकार की प्रशंसा कर रहा है, तो क्या सरकार बिक चुकी है क्या? क्यों नहीं जनता को राहत देने का काम करे? आप लोगों ने ये काली पट्टी क्यों बांध रखी है अपने सर पे? ये काली पट्टी हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो देश 2014 से 2014 में जो हमारे देश के मनमोहन सिंह थे, जो विश्व गुरु में माने जाते थे, अर्थशास्त्री, उन्होंने देश को हमें अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँचाया था, और आज हमारा देश किस पायदान पे खड़ा हुआ है। तो हमें आज देश की जनता देख रही है, हमें देश में मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए या नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए कि जो हमें 400 का सिलेंडर दे, जो किसानों की आय दुगुनी करे, जो गृहिणियों को मतलब राहत दे महंगाई से कम करने, और युवाओं को जो रोजगार के रास्ते जो मनमोहन सिंह ने खोले थे तो उसके वो खोले। जो 151 जो सांसदों को बर्खास्त किया गया वो लोग सड़कों पर क्यों नहीं है? आप लोग उनके उसमें सड़कों पे उतर रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं कि वो संसद के बाहर धरने पे बैठे हैं। पिछली बार भी उन्होंने काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया था, खुद राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी थे, और किस तरह सरकार ने प्रशासन ने घसीट के उनको थाने में बंद कर दिया था। तो जो प्रताड़ित किया जा रहा है विपक्ष को, लेकिन जितना भी विपक्ष को दबाएंगे उससे भी ज़्यादा दुगने दम से पुरजोर तरीके से वो बाहर आएगा और अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। जब तक महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिल जाता, तब तक ये जनता और विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक उम्मीदवार है जो प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार है। भाजपा सरकार की तरफ से विपक्ष को 151 सांसद बर्खास्त कर रहे हैं, तो वो खुद ही इस्तीफा क्यों नहीं देते? ऐसे बर्खास्त किया जा रहा है, क्या उनकी कोई इज्जत या मर्यादा नहीं है क्या? देखो वहाँ पे किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या स्पीकर ने उन सांसदों को चुन के नहीं भेजा, किसी के रहमो करम पे वो सांसद नहीं आए हैं, लाखों करोड़ों जनता ने उन्हें चुन के संसद में भेजा है। अगर उन्हें बर्खास्त करने का भी अगर हक है तो उस जनता को है। 2024 में चुनाव है, अगर उन्होंने गलत पूछा है सवाल या कोई गलत किया है तो वो जनता जवाब देगी और संसद से बाहर करेगी। उपराष्ट्रपति को स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है उनको बाहर करने का। ये लोकतंत्र का मर्डर है कि एक आदमी किसी सांसद को बाहर कर दे, और यहाँ एक नहीं लगातार 145 बार हो चुके। आप विपक्ष का गड़ा घोटने का काम कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ जितना ये गड़ा घोटेंगे उतना जनता देख रही है। पिछले कुछ दिनों से जो तानाशाही चल रही है, तो हिटलर शाही है इस देश में नहीं चलेगी। पहले भी तानाशाही होने की जब भी किसी सरकार ने की है, आपका जो सरकार कह रही है कि तानाशाही सरकार बन चुकी है अभी, बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही साफ नजर आ रही है। किसी की बातें नहीं सुनी जा रही, ना किसान की, ना मजदूर की, ना युवाओं की, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। आपने देखा जंतर मंतर पे खिलाड़ियों को घसीटा गया, जब किसी की बात ना सुनी जाए तो सीधे तौर पे तानाशाही है। अगर मैंने अपने सांसद को चुन के भेजा है तो संसद में मेरी आवाज़ कौन उठाएगा? सांसद उठाएगा। और मेरे सांसद को बर्खास्त कर दिया गया तो मेरी आवाज़ कौन उठाएगा? अब मेरे क्षेत्र के मुद्दे कौन उठाएगा? कौन महंगाई की बात करेगा? एक और चीज़ कही जा रही है कि सांसद में जब ये हुआ,
जिस जो चूक हुई, जो लोग दो लोग घुस गए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बस खड़े हुए देख रहे, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो। देश ने साफ देखा है, जब देश में विपत्ति आती है, कभी भी ऐसा वक्त आता है जब देश में किसी नेता की जरूरत होती है, तो राहुल गांधी ने दिखाया कि वो निडर होकर खड़े रहे, वो भागे नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाग रहे थे और स्पीकर भाग रहे थे, तो राहुल गांधी भगोड़े नहीं है। जो कहते हैं इटली भाग जाएंगे, वो तो संसद से ही नहीं भागे, और इनके सांसद किस तरह भाग रहे पूरे देश ने देखा है। तो देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो निडर होके ऐसे वक्त में भी देश के साथ खड़ा रहे। आप मोदी को एक महंगाई मैन भी कह रहे हैं कि महंगाई मैन से देश को बचाओ। देख लीजिए, 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ी, वो 2014 से और 24 में बढ़ गई। हाँ। दुगनी महंगाई, जो पेट्रोल के दाम 70 साल में 60 रुपए आए थे, वो इन्होंने सिर्फ 10 सालों में 100 से ऊपर कर दिए। जो 70 साल में सिलेंडर के दाम 350 आए थे, वो इन्होंने 1200 पहुंचा दिए। तो आप महंगाई देख ली, अगर ये अगले और 5 साल दे दिए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में किसानों और गरीबों का, युवाओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, और उनको महंगाई के मारे अपनी आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा, जैसे किसान और युवा आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जो 151 सांसदों को बर्खास्त किया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो 151 सांसद भाजपा सरकार की तरफ से बर्खास्त किए गए हैं, उसी को लेके यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, और लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि 2024 में परिवर्तन होना निश्चित है अगर ऐसे ही बर्खास्त करते रहे। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहें।